स्वागत है आप सभी का स्टडी स्प्रिंटर में। आज रेनफोर्स कंक्रीट आरसीसी का हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और जो है इसके पहले हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी पढ़ चुके हैं, पांच पार्ट इनमें हो चुका है आरसीसी के, जिसमें दो पार्ट हैं और तीन पार्ट हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, और ये तीसरा पार्ट है आरसीसी का। और भी जितने पार्ट बनेंगे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो लाया जाएगा आगे। और जो है एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया 2017 का, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई गई। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो आगे की तैयारी करिए, उसके चक्कर में आने वाले एग्ज़ाम जो है ख़राब नहीं करिए। आगे एग्ज़ाम है बहुत ढेर सारे, डीएमआरसी है, एनबीसीसी है, डीएमआरसी चल रहा है, एनबीसीसी है, डीडीए है, और भी जो एग्ज़ाम है अगला एसएससी जेई, उसकी तैयारी आप लोग करिए अच्छे से। राजस्थान एईएन की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी भी तैयारी करिए अकॉर्डिंगली। और जो है क्वेश्चन लेंगे वन बाई वन, उसके पहले जो है सब्सक्राइब करिए स्टडी स्प्रिंटर को और लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। तो आगे बढ़ेंगे और जो है आज का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है द ब्रिथ ऑफ रिब इन अ टी बीम शुड एट लीस्ट बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ रिब। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्रिथ बताइए रिब का। रिब मतलब वेब का, टी बीम में, टी बीम ऐसी होती है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसकी विड्थ पूछ रहा है, तो इसकी विड्थ जो है रिब की विड्थ की बात अगर हम करें तो ये लाई करती है बी आर, या इसको बी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई टू टू डी बाई थ्री तक, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ रिब है, डेप्थ ऑफ रिब की बात करें, उससे जो है दो, उसके आधा और एक तिहाई का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अगर बात करें कौन सा सही होगा, तो बेस्ट अगर हम लें तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अ शॉर्ट कॉलम 300 mm × 300 mm इज रेनफोर्स विथ 4 bar of 20 mm डाया Fe415 grade। इफ कंक्रीट इज M20 grade द मैक्सिमम एक्सियल लोड PU अलाउड ऑन इट इज। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कॉलम गिवन है जिसका डायमेंशन 300 mm है, 4 bar है उसमें 20 mm डाया की, और कंक्रीट जो है M20 grade की है, ठीक है। तो मैक्सिमम पुल इसमें बताना है। पुल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम WSM मेथड से करें यहाँ पे, तो P इक्वल टू सिग्मा सी सी ए सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, हमारा एरिया जो है ग्रॉस एरिया क्या है, 300 mm × 300 mm, ठीक है। तो ये 9000 आ जाएगा। सिग्मा सी सी अगर हम 20 की बात करेंगे कंप्रेशन में तो 5 mm होगा, अगर ये आपको याद होगा तभी ले सकते हैं, M20 का 5 mm होगा। और सिग्मा एस सी की जो वैल्यू है स्टील की, जो परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील में, वो 90 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है 415 होगा, तो वो 90 होता है। और अगर एफ ई 230 होता तो उसकी जो है वैल्यू 130 आती, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ स्टील निकालें 4 × 314 हो जाएगा, ठीक है। डाया पाई बाई 4 करके हम निकाल लेंगे, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके निकालेंगे, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो टोटल 1256 आ जाएगा, ठीक है। अब ए सी अगर हमें निकालना है तो ए जी माइनस ए एस सी हो जाएगा, क्रॉस में से हम जो है स्टील का एरिया घटा देंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे पी इक्वल टू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी ए एस सी, सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा सी सी की 5 और यहाँ पे हम ए सी की एरिया निकाल रहे हैं जैसा कि डिवाइड करके बताया मैंने निकालना है, और फिर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपनी 682.360 kN। सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो है सबसे पहले आप लोगों को जो है जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल करना है, बाद में न्यूमेरिकल पे जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पे
न्यूमेरिकल पे टाइम लगता है, ठीक है। अगर आता है तब भी तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले सारा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल पे जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ऑल आरसी कॉलम्स मस्ट बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपनी L बाई 500 प्लस D बाई 30 C। यह D जो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन B और D में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। B और D में से कुछ भी हो सकता है जब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IRC 156/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट और मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये दो सवाल बहुत उठते हैं। तो जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा वो 6% होगा, लेकिन मिनिमम की वहीं बात करें तो 0.8% होगा कॉलम में, ठीक है। तो मैक्सिमम भी याद रखना है और मिनिमम भी याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मिनिमम जो होता है 0.8% होगा, 0.8% और मैक्सिमम 6% होगा। देखिए फील्ड में जब हम काम करते हैं तो अपने आसानी के लिए हम जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू ले लेते हैं कॉलम के लिए, 4% या 5% लेके चलते हैं। लेकिन जो कोड में गिवन वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम की वो इतना ही है, 0.8% मिनिमम और मैक्सिमम 6%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट वॉल शुड बी। ये आसान क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम थिकनेस जो है रेनफोर्स कंक्रीट वॉल की, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दिस इज अप्लीकेबल टू। तो इस क्वेश्चन में क्या रहे हैं, कॉलम जो है उसकी इफेक्टिव जो है लेंथ जो है एक्सीड कर रही है 3 times ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 3 times इस लीस्ट लेटरल डायमेंशन, कहने का मतलब बी और डी, ठीक है, दोनों की 3 गुने से ज़्यादा इसकी जो है हमारी इफेक्टिव लेंथ है। तो ये कॉलम किसके लिए एप्लीकेबल है, रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, आई सेक्शन, सर्कुलर कॉलम, या तीसरा ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और आई सेक्शन। तो ये सिर्फ जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए वैलिड है, आई सेक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है किसके लिए वैलिड है। तो देखिए जो है अगर ये एक्सीड नहीं करेगा 3 से 3, एल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर एक्सीड नहीं करेगा इससे तो ये जो है पेडेस्ट्रियन होगा, ना कि जो है कॉलम होगा। अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 गुना ज़्यादा है एल इफेक्टिव तो वो कॉलम होगा, अदरवाइज अगर लीस्ट है तो पेडेस्ट्रियन होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इन अ कॉलम लाइज बिटवीन 30 to 120 इट इज नोन एज। तो पहले हमें स्लेंडरनेस रेशियो जानना है, SR की वैल्यू। अगर देखिए SR की वैल्यू हमारी 32 से कम है, या 8 से ले लें आप, 8 से 32 तक, तो वो स्मॉल कॉलम होगा। और जब SR की वैल्यू 32 से 120 तक है तो वो मीडियम कॉलम होगा। तीसरा केस है, अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगा SR की वैल्यू तो कौन सा कॉलम हो जाएगा, वो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो पूछ रहा है वो 32 से पूछ रहा है 120 तक। तो हमारे पास जो ये कॉलम है इस SR के रेंज में मीडियम कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा घुमा के पूछ लेता है, स्लेंडरनेस रेशियो दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा कॉलम है, ये लॉन्ग है, शॉर्ट है, मीडियम है, तो ये बता दीजिए। तो अब इसे ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8th क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 meter हाई एंड इट्स फिक्स टू द ग्राउंड, इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड फ्री टू मूव साइड वेज ओवर देयर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल इज। एक पोल है जो नीचे फिक्स है, हाई टेंशन वायर का आप केस ले लीजिए, वही है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ एक जो है वायर जा रहा है उससे, और वो मूव कर रहा है,
इधर उधर, ठीक है, जब मूव कर रहा है इधर उधर, दैट मीन्स जो है क्या है, केस जो है वन एंड फिक्स एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, अदर एंड फिक्स्ड एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट इन पोजीशन, ये कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, 0.8 into L जो हमारी लेंथ होती है वो हो जाती है 0.80 into L, जो L की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 meter, ठीक है, 5 meter यहाँ पुट करेंगे तो चल तो ये 4 meter हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के और केसेस होते हैं, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, तो 2L हो जाता है, जब बोथ एंड फिक्स होगा एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन होगा तो 0.65L हो जाता है। ये सारी कंडीशन एंड कंडीशन के जो कॉलम होते हैं वो आपको RCC में और साथ साथ स्टील के भी केस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, चाहे AE हो चाहे JE हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द अनसपोर्टेड लेंथ फॉर अ कॉलम बिटवीन एंड रिस्ट्रेंड शुड नॉट एक्सीड डॉट टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ अ कॉलम। तो जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है कॉलम के बीच में, एंड रिस्ट्रेंड जो होता है वो किसी लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन के। तो देखिए एक तरीके के मैं बताता हूँ, बीम में भी ये है, और जैसे कॉलम की बात करें तो एंड रिस्ट्रेंड है उसका, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो होगी वो 60 B और D, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एंड रिस्ट्रेंड है वो 60 लीस्ट लेटरल डायमेंशन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अनसपोर्टेड लेंथ फॉर कॉलम बिटवीन एंड रिस्ट्रेंड, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 300 mm RC कॉलम इज रेनफोर्स विथ 8 bars, 4 bars ऑफ 12 mm डायमीटर, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज 6 mm, द पिच ऑफ लेटरल टाइज सेल बी केप्ट एज। तो देखिए इसमें क्या है, कॉलम की डायमेंशन दी हुई है, 12 mm डाया का 8 bar है, और डायमीटर जो लेटरल टाइज का है वो 6 mm है, तो पिच बताइए। पिच के देखिए कोड में गिवन है, जो पिच जो होती है, पहला केस है, पहला पॉइंट है इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दूसरा पॉइंट है 16 dia ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार, और तीसरा पॉइंट है 300 mm, इन तीनों का जो मिनिमम आएगा वही हम पिच की जो है पिच लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये लिख दिया गया है, मिनिमम क्या होगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 16 dia ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार, 300 mm, इन तीनों का जो मिनिमम होगा उसे लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या मिनिमम है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 12 dia 16, यहाँ पे सही क्या होगा, सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 4 meter एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 54.6 mm। तो इसमें कुछ नहीं है, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ दे दिया है और रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया है, तो हमें चेक करना है कि जो है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगी। तो सिंपल है ये, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास पता है और जो है mm में दिया है अपनी रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो SR का रेशियो होता है L इफेक्टिव अपॉन R मिन, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे mm में, जो L इफेक्टिव है, तो वैल्यू हमारी आएगी 73.26 सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कॉलम इज अ शॉर्ट कॉलम, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 4.2 meter। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमें जो है चेक करना पड़ेगा जो है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, L इफेक्टिव अपॉन R मिन की वैल्यू हमें चेक करना होगा। R मिन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I = A R² ठीक है, R² हो जाएगा, R² को जब हम R मिन की वैल्यू निकालेंगे तो वो अंडर रूट
आई ए होता है, ठीक है। इससे हम जो है आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है चेक करना है हमें, तो हमें पता है कि एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो होता है उसको चेक करें तो हमारी वैल्यू जो आती है 12 से कम, तो पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग कॉलम है या स्मॉल कॉलम है। देखिए ये जो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन से चेक करेंगे, सॉरी, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन से हम चेक करेंगे। पीछे जो बात बताया वो चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो चेक करेंगे, हमारे पास डायमेंशन गिवन है बी और डी की, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हम देखेंगे। इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, देखिए यहाँ पे 360/360 जो है, अब हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कैसे क्या है। तो देखिए जब चेक करेंगे तो ये इसकी रेशियो जो है आ रही है 12 से कम, तो ये ऑप्शन जो है अलग अलग चेक करने पे जब जिससे कम आया है तो हम उस ऑप्शन के हिसाब से शॉर्ट कॉलम लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 12 से ज़्यादा आ गया, इसमें 12 से ज़्यादा आ गया, डी वाले में 12 से ज़्यादा आ गया, तो शॉर्ट कॉलम किस में है, सी में। सारा ऑप्शन चेक किया हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्ट सी के बारे में बता दिया गया, शॉर्ट कॉलम जो है हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको चेक किया हुआ है, चेक जो है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन से चेक किया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा इस चेक में। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन फैक्टर सी आर टू लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल ई एंड विड्थ बी इज अप्लाइड टू ऑब्टेंड फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सीधे अपना पूछ रहे हैं कि रिडक्शन फैक्टर बताइए। तो रिडक्शन फैक्टर जो है अब अलग अलग होता है, सर्कुलर के लिए अलग होता है, जो है रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी और डी में से जो भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी सही है, ये जो है रिडक्शन फैक्टर है रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, ठीक है। अदर हैंड अगर हम सर्कुलर कॉलम की बात करें, उसका रिडक्शन फैक्टर होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 आर नहीं है, यहाँ पे 160 आर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, साथ साथ पूछ लेता है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से रिमेंबर कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज जीरो व्हेन इट्स लेंथ। अगर कह रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो जीरो हो तो इसकी लेंथ किस केस में, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो जीरो होगी, लेंथ इसमें गिवन है तो बताएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं ये नहीं है, गलत है। अब दूसरा ऑप्शन है इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। तीसरा ऑप्शन है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। चौथा है डी वेरी लार्ज, नहीं सी भी गलत है और डी भी गलत है, जब कॉलम चारों तरफ से सपोर्टेड होगा, ठीक है, सपोर्टेड होगा थ्रू आउट, तो ये जो है स्लेंडरनेस रेशियो की जीरो होगी। तो ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज। तो इसमें SR पूछ रहा है, फॉर्मूला वही लगेगा R I बाई A, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चेक करेंगे इन चीज़ों को तो कैसे हमें निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो, SR इक्वल टू हो जाएगा क्या, L इफेक्टिव अपॉन R मीन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर सर्कुलर कॉलम है तो R मीन की वैल्यू जो आती है वो D/4 आती है, D/4, ठीक है। R मीन की वैल्यू मैं बताता हूँ आप लोगों को, R मीन की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्ट D/4 आती है, ये याद रखना है सर्कुलर कॉलम अगर होगा तो। यहाँ पे डायरेक्ट कितना गिवन है हमको 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 आ जाएगा डाया, 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, अगर निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो तो कैसे निकालेंगे, 4 मीटर है अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400 सेंटी अपॉन 10, तो 40
आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करें तो सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए के की वैल्यू कैसे है, आर्मिन की जो वैल्यू होती है एल इफेक्टिव अपॉन के की वैल्यू जो है वो एल इफेक्टिव अपॉन आर्मिन है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आप लोगों को पता है पाई बाई डी फोर अपॉन 64 और एरिया जो सर्कुलर का होता है पाई बाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी आर्मिन की डी बाई 4, इसमें पुट करिए वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। के की वैल्यू निकालना है हमें, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा के एल इफेक्टिव अपॉन 10, वैल्यू आ गई 40। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये सारा काम नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ जो है डायरेक्ट याद रखिए कि जो आर्मिन होता है वो डी बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर अ स्प्रिड कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाई द प्लेन एट। जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके बारे में पूछ रहे हैं, स्प्रिड कंक्रीट फुटिंग है और उससे जो है कॉलम निकल रहा है, तो बताइए जो है कहाँ होगा। तो अगर मान लीजिए स्प्रिड फुटिंग है, ठीक है, इस तरीके की फुटिंग है कोई, तो क्रिटिकल सेक्शन पूछ रहे हैं कहाँ होगा, कॉलम फेस पे होगा या 75 mm फ्रॉम कॉलम फेस, इससे 75 mm पे होगा, या फिर d बाई 2 फ्रॉम कॉलम फेस, या फिर d फ्रॉम कॉलम फेस। देखिए जब फुटिंग की हम बात करेंगे तो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कॉलम फेस पे ही होगा, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिट फुटिंग में कॉलम फेस पे ही होगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन है वो एक्स एक्स जो होगा वो कॉलम फेस पे होगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन बोथ एंड ऑफ ए कॉलम आर फिक्स्ड द क्रिपलिंग लोड इज एफ, इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज टू। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉलम जो है पहले फिक्स्ड है, लेकिन दूसरे केस में क्या है, एक एंड उसका फिक्स्ड है लेकिन दूसरा फ्री है, तो अब वैल्यू जो है क्रिपलिंग लोड की कितनी चेंज हो जाएगी पहले के कंपेयर में, ये बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन, और इनफैक्ट यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई कई एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, देखिए अगर बोथ एंड फिक्स्ड है तो PCR जो होता क्रिटिकल लोड जो होता है वो पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर होगा, लेकिन जब बोथ एंड फिक्स है तो कॉलम में जो उसकी अनसपोर्टेड जो सपोर्टेड टोटल लेंथ होगी वो सिर्फ एल बाई टू तक होती है, तो एल बाई टू पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, जो 4 टाइम्स है इसके क्रिटिकल लोड से, इसको हम F1 मानते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको F1 मान लीजिए, पूरा टोटल 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर को टोटल जो है आप मान लीजिए, ठीक है। दूसरा है जो है PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इफेक्टिव, जब दूसरे को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ उस केस में क्या है, जो एल इफेक्टिव है वो वन एंड फिक्स्ड और वन एंड फ्री होगा, उसके हिसाब से लिया जाएगा, तो इस केस में जो है एल इफेक्टिव 2L हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, PCR का चौथा भाग होगा जिसको हम F2 मान लेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट F2 मान सकते हैं, ठीक है। तो जब हम F1 अपॉन F2 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमें पूछा है कि पहले के कंपेयर में कितना होगा, पहले के कंपेयर में हमारा जो हो जाएगा वो F2 इक्वल हो जाएगा F1 अपॉन 16। तो देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, देखिए सी ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या है, जब आप F1 इसको टोटल मान लिए हैं और F2 इसको टोटल मान लिए हैं, तो F1 अपॉन जब F2 करेंगे तो इसकी वैल्यू कट पिट के 16 आ जाएगी, ठीक है। तो F2 को चेंज करके F1 अपॉन 16 ले लेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है चल रहे हैं, द मिनिमम साइज ऑफ वन साइड और डायमीटर ऑफ कॉलम इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर टू मेक इट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस शुड नॉट लेस देन। तो कोड में इसकी वैल्यू जो गिवन है वो इसकी जो वन साइड होगी या डायमीटर जो होगा वो 200 mm से कम नहीं होगा, ठीक है।
करेक्ट है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच इज जनरली टेकन एज बी इक्वल टू। तो जो बेस विड्थ है रिटेनिंग वॉल की वो हाइट के कंपेयर में कितना लिया जाता है, तो इसका एक रेंज होता है, कितना लिया जाता है, ये लिया जाता है बी, जो बेस है इसकी रिटेनिंग वॉल का, ये लिया जाता है 0.4 से 0.6 हाइट तक, ठीक है, हाइट का 40% या 60% लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, इस केस में क्या है, जो है थिकनेस जो होती है, एक और बात, थिकनेस जो होती है वो हाइट का 10वां भाग होता है रिटेनिंग वॉल में, ठीक है, थिकनेस जो है हाइट का 10वां भाग होता है, लेकिन साथ साथ 10वां भाग तो होगा लेकिन 300 mm से जो इसकी थिकनेस होगी वो 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 300 mm से कम हो गई तो 300 mm ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है क्वेश्चन के जो पूछा है वो बे ब्रिड के बारे में पूछा है, तो बी सही होगा, ठीक है, 0.4 से 0.6 तक, तो 6 बी है जो हमारा ऑप्शन एकदम सही है। और हाइट जो होगी, जो थिकनेस होगी हाइट के 10वां भाग होगी एच बाई 10, और उस केस में भी 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हैविंग बेस विड्थ बी रिटेन्स अर्थ एट इट्स बैक, ठीक है, रिटेनिंग वॉल है जो अपने बैक में अर्थ फिल को जो है रिटेन कर रहा है, फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप एट बेस द रिजल्टेंट फोर्स विल इंटरसेक्ट द बेस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द बेस विद इन अ डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, जो ट्रेपेजॉइडल रिटेनिंग वॉल है उसमें टेंशन ना डेवलप हो, तो बताइए कितने डिस्टेंस पे जो टेंशन नहीं डेवलप होगा वो कितने डिस्टेंस से होगा सेंटर लाइन ऑफ द बेस से, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो सिर्फ कंप्रेशन होगा वो, देखिए एक फुटिंग है तो इस तरीके का कुछ, इस तरीके कुछ शेप बनता है इसका, और जो है सिर्फ अगर इसकी बी डायमेंशन है तो बी बाई सिक्स रीजन तक टेंशन डेवलप नहीं होगा, ठीक है, बी बाई सिक्स तक टेंशन डेवलप नहीं होगा सेंटर लाइन से, ठीक है, जो सेंटर लाइन है इससे बी बाई सिक्स डिस्टेंस जो है यहाँ पे टेंशन डेवलप नहीं होगा, ओनली कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कॉलम में ले लीजिए, यहाँ पे तो रिटेनिंग वॉल का पूछा है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है जो, लेकिन आप रेक्टेंगुलर कॉलम ले लीजिए उसमें पूछ लेता है, बताइए जहाँ टेंशन डेवलप नहीं होगा उसकी डायमेंशन क्या है या डायमीटर क्या है, या फिर सर्कुलर कॉलम का पूछ लेगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो है आपको कोर की डाया और उसकी साइज पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ कंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाइट मेजरमेंट। तो ये इजी क्वेश्चन है, 6 मीटर हाइट के ऊपर यूज नहीं होती है कंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर, नहीं है तो अब ध्यान रख लीजिए जो कंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है वो 6 मीटर से ऊपर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विथ Fe415 bar इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर Fe415 है तो उसमें जो है हमारी जो लिमिटिंग मेथड से न्यूट्रल एक्सिस बीम की डेप्थ होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो Xu=0.48d होगा। देखिए ये 415 के लिए है, ऐसे ही हम बात करेंगे अगर Xu/d 250 के लिए तो उसकी वैल्यू होगी 0.53, ठीक है। अगर हम Fe500 की बात करें हाई स्ट्रेंथ स्टील की तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0.46 हो जाएगी Xu/d जो रेशियो होगा, ठीक है, लिमिटिंग। तो ये तीनों वैल्यू याद रखना है, जो 250 का केस है उसमें जो है 0.53 होता है एक्सयू की वैल्यू, जो 415 का Fe415 का केस है उसमें जो वैल्यू होती है वो 0.48d होती है,
अगर हम हाई स्ट्रेंथ स्टील की बात करें Fe 500 की, तो उसमें जो है वैल्यू होती है जो वो 0.46 होती है, ठीक है। तो तीनों वैल्यू याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बेंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। द बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बेंड, जो बियरिंग स्ट्रेस है बेंड में लिमिट स्टेट मेथड में कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन में कितनी गुना ज़्यादा होती है या कितनी गुना कम होती है, ये बताइए। तो जो बियरिंग स्ट्रेस जो बेंड में होती है लिमिट स्टेट में, वो डेढ़ गुना ज़्यादा होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज। देखिए ये फ्लेक्चर में पूछा है, इसका मतलब जो है बेंडिंग में, तो इस एरिया जो है स्ट्रेस ब्लॉक का कितना होगा, हमें पता है जब MR हम निकालते हैं तो हमें 0.36 FCK XU और ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 XU आता है, जो कि डी माइनस 0.42 XU जो होता है वो लीवर आर्म होता है। तो हमारी वैल्यू जो यहाँ पे सही होगी वो डी सही होगी, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe 415 इन LSM। तो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है 415 के लिए 0.138 BD स्क्वायर FCK होता है। अब इसमें जो सही ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, और इसको जो है सॉल्व करने के बाद आता है, सभी का अलग अलग होता है, आप 250 का निकालें Fe 250, 415 या 500, सबका अलग अलग आता है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में कोई और क्वेश्चन लेके या इसे समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए याद करिए 415 के लिए 1.38 BD स्क्वायर FCK होता है, ठीक है। इसी के साथ एंड करेंगे इस सेशन का, और आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में, सॉइल के पार्ट में या RCC के पार्ट में, या कोई नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो भी है। और बहुत ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करिए स्टडी स्प्रिंटर को और लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना। धन्यवाद।